हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन पूजा। तो आज मैं आप सबके लिए एक सूट लेके आई हूँ जिसमें मैं पाइपिंग लगा के दिखाऊंगी। राउंड नेक पे पाइपिंग तो मैंने बहुत बार दिखाया है, लेकिन आज का जो नेक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिज़ाइनर है, तो उस पर पाइपिंग लगाना मैं सिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इसका। तो इसको जो है हमें मिडिल में रख कर कट करना है ताकि ये डिज़ाइन बिल्कुल मिडिल में आए। तो देखिए, मैं इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रही हूँ, एकदम मिडिल में रख रही हूँ डिज़ाइन को। और देखिए, इसके बाद जो है हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि डिज़ाइन जो है इधर से उधर ना हो जाए। मैं बार बार चेक कर ले रही हूँ कि डिज़ाइन एकदम मिडिल में है या नहीं। इसके बाद देखिए, मैंने पिन लगा लिया है यहाँ पर। अब इसको पूरे कपड़े को हमें देखिए इस तरह से इक्वल कर लेना है, और इसके बाद ही हमें जो है इसका मेजरमेंट ड्रॉ करना है। तो आज मैं जो आप लोग को फॉर्मूला बताने वाली हूँ उसको आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो आप किसी भी माप का जो है सूट कटिंग कर सकते हैं परफेक्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लेंथ ले लिया है 40 इंच। इसके बाद जो है हमारा शोल्डर लेना है, तो शोल्डर जो है हमें 6.5 इंच ली है। और देखिए, इसके बाद जो है हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल हमेशा चेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ये 36 इंच का जो है सूट है, इसीलिए जो है यहाँ पर मैं आर्म होल 7 ले रही हूँ। और आर्म होल जो है वो सूट हो या ब्लाउज हो, दोनों में इक्वल ही रहता है। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर चेस्ट ले रही हूँ, तो चेस्ट जो है फ्रेंड्स ये 36 इंच का है। और देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है, आप किसी भी माप के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 11.5 रखा है, यहाँ पर 10.5 में हमें इसकी फिटिंग सिलाई करनी है। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप सूट बनाएं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ही उसकी सिलाई रखें, उसकी फ़िटिंग्स करें। और यहाँ देखिए, मैं इसका कमर ले रही हूँ, तो कमर जो है हमें चेस्ट से 1/2 इंच या 1 इंच कम लेनी है, तो मैंने यहाँ पर 10.5 लिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक गोल शेप देना है आर्म होल में। अब नीचे का घेरा जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है 13 इंच रखा है, देखिए। और इस पर जो है इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में मिला लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा जो है सूट का फ्रंट पार्ट है। अब हम जो है इसको बैठा कर ही बैक पार्ट कट करेंगे। लेकिन जो है फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में देखिए नीचे लेस लगी है, तो हमें इसे नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैक पार्ट में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि हमें उसे फोल्ड भी करना है। और फिर मैं जो है इसको कट कर ले रही हूँ सेम। अब जो है हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, कि मैं जो हम लोग सूट में देखे होंगे साइड में कट रहता है, तो उसको आप लोग कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेजरमेंट ले लीजिए कि आपको कटिंग कहाँ तक रखनी है। मैंने यहाँ पर 21 इंच लिया है और इस जगह का जो है पॉइंट कर लिया है, देखिए इस तरह का कट लगा लिया है ताकि ये हमें याद रहे। और जो है मैं यहाँ पर आपको फिटिंग्स दिखाती हूँ कि कितने पे करनी है। तो देखिए, ऐसे तो अगर ये अगर ब्लाउज़ होते तो हम लोग 9 दुनी यानी 18 होता, 18 दुनी कितना होता है 36, तो 18 पे हम लोग सिलाई रखते। लेकिन ये सूट है तो हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 18 पे नहीं, हम लोग जो है 20 पे इसकी सिलाई रखेंगे, ठीक है, 1.5 या 2 इंच। इसके बाद देखिए, बस यहीं तक जहाँ तक मैंने दाग लगाया वहीं तक हमें सिलाई करनी है, उसके बाद तो कट रहता है सूट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन देखिए एकदम मिडिल में है। अब जो है मैं इसका नेक कट करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये राउंड नेक नहीं होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है इसका नेक, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। तो इसके लिए मैं ऊपर जो है 2.25 इंच ले रही हूँ, और इसका लेंथ 6 इंच होगा, 6 से 6.25 इंच। और इसके नीचे का जो घेरा होता है वो 2.5 इंच होता है, लेकिन जो है इसमें हमें नीचे के घेरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये एक जो है 5 शेप है, इसके बाद भी मैंने एक नीचे छोटा सा डिज़ाइन किया है, देख सकते हैं, मैंने यानी कि डबल पान बोल सकते हैं आप लोग इसको। इसका डिज़ाइन का नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोग को कोई नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत हार्ड कपड़ा था, यानी कि जो उसका लेस था बहुत हार्ड था, तो कटने में बहुत दिक्कत हो रहा था यहाँ पर। इसके बाद देखिए मैंने इसका नेक कट कर लिया है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि क्या नेक है। अब हम लोग इसके बैक नेक को भी कट करेंगे। तो इसमें भी जो है ऊपर 2.25 इंच लेना है और नीचे जो है हमें इसका लेंथ 5.5 रखना है और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच होगी। नॉर्मली जो है अगर आप लोग कोई भी सूट करें या ब्लाउज करें तो नेक का जो चौड़ाई है वो 2.25 ही होगा ऊपर में और नीचे जो है 2.5 होगा। इससे ज़्यादा अगर आप बोट नेक करें तो अलग होगा, लेकिन नॉर्मल नेक ऐसे ही होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब जो है इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा राउंड नेक कट हो गया है। अब मैं जो है यहाँ पर येलो कलर की पाइपिंग लगाऊंगी, क्योंकि जो है इसका पैंट जो है वो येलो कलर का ही है। तो देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और इस जो है नेक को बैठा कर मैं इसको सेम ऐसे ही कट करूँगी। तो जब भी आपका डिज़ाइनर वाला कोई नेक हो तो आप ऐसे ही कट कीजिए। उसकी पाइपिंग हो या गले में पट्टी लगानी हो तो ऐसे ही कट करना है। देखिए कुछ इस तरह से जो हमें इसको सेट करना है, देख सकते हैं। अब जो मैं बैक के लिए तिरछा पट्टी कट कर रही हूँ, क्योंकि वो एक राउंड नेक है और मैंने पहले ही बताया है कि राउंड नेक के लिए हमेशा तिरछा पट्टी ही कट करनी है। तो देखिए पट्टी कैसे कट करना है। हमें कपड़े का एकदम कोना कोनी लेके कट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ आप लोग के लिए कुछ नया लेके आती हूँ ठीक 5:30 बजे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा घर बैठे कुछ नया सीखने के लिए। तो देखिए अब जो है हम इस नेक के ऊपर जो है इस पाइपिंग के कपड़े को इस तरह से रख कर सेट कर लेंगे, यानी कि 1/2 इंच का सिलाई लगा लेंगे इसके चारों तरफ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सूट कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस अपलोड किए हैं, अस्तर वाले सूट के भी वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो इसका जो डिज़ाइन है वहाँ पर हमें एक कट लगानी है, पूरे में नहीं लगानी है, बस जो कोना जो है उस कोने पर हमें कट लगानी है ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखिए इसके बाद जो है हमें इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जितनी चौड़ी भी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी रख सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमें जो इस कोने को अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि मैंने कहा था कि वहाँ जो लेस है उसके कारण वो बहुत मोटी हो गई है। अब जो है हमें जैसे पाइपिंग रखनी है पतली या मोटी उस तरह रखना है, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एकदम पाइपिंग के साइड साइड में हमें स्टिच लगानी है, पाइपिंग वाले कपड़े पे नहीं, यानी कि जो हमारा ग्रीन कपड़ा है उसके साइड साइड में हमें एकदम स्टिच लगाते जानी है और पाइपिंग को इसी तरह से सेट करते जाना है। तो जैसा हमारा नेक है जिस शेप में हमें उसी शेप में इसको सेट करते जाना है। देखिए यहाँ पर, और जो कोना वाला है कोना जो है उसे हमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग देनी है, देखिए कुछ इस तरह से। इसके लिए जो है फ्रेंड्स आप लोग इसको कट कर सकते हैं पट्टी, ताकि आसानी से जो है यहाँ पर फोल्ड हो जाए। देखिए मैंने कट करके दिखा दिया है, अब जो है बहुत इजीली सेट हो जाएगा। यहाँ पर वो चौड़ी लेस होने के कारण जो ये जगह बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटे हो जाने के कारण जो पाइपिंग बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने जो है बैक में उसको कट लगा लिया था। अब देखिए ये इजीली बैठ जा रहा है। तो इसी तरह जो है हमें पूरे नेक को जो है सेट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। हमेशा आप लोग पाइपिंग की चौड़ाई को जो है एकदम बराबर रखिएगा, कहीं भी ज़्यादा पतला या कहीं ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। आप लोग चाहे तो डोरी लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन डोरी के बिना ही ये परफेक्ट बनेगी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब जो है हम इसके बैक को जो है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके साइड साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि
ताकि पूरी तरह से सेट रहे। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टिच कर ले रही हूँ। जैसा हमारा नेक का डिज़ाइन है वैसे ही हमारी पट्टी भी कट हुई है और वैसे ही हमें इसको स्टिच भी करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है परफेक्ट सूट कैसे फिटिंग्स करनी है इसकी वीडियोस बनाई है। आप लोग अगर नहीं देखे वो वीडियो तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद आप लोग को सूट के फिटिंग्स को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जाइए और जल्दी से वो वीडियोज़ देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग जो है पूरी तरह से लगा लिया है। हमारा फ्रंट नेक रेडी है। अब जो है हमें बैक नेक पे लगाना है। तो इसके लिए मैंने तिरछा पट्टी कट की थी। अब जो है इसको हमें पूरे नेक में इस तरह से सेट करते जाना है। और तिरछा पट्टी जो है वो स्ट्रेचेबल होती है, इसीलिए आसानी से ये जो है पूरे राउंड नेक पे आ जाती है। अब हमें इसके साथ जो है इसका फ्रंट पार्ट पहले अटैच कर लेना है, इसकी शोल्डर को देखिए कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अब मैं सेम दूसरे शोल्डर को भी ऐड कर लूँगी। इसके बाद जो हमें पाइपिंग सेट करनी है। तो देखिए फ्रेंड, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ, कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है, फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से स्टिच करना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने फ्रंट पार्ट में किया था। देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक को सेट करना है। कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए हमें साइड साइड में सिलाई लगानी है। अगर आप लोग डोरी के साथ पाइपिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे तो मैं पाइपिंग ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है पाइपिंग हो चुका है बैक में, लेकिन इसको और अच्छा फिनिशिंग देने के लिए मैं इसके जो है साइड साइड में भी एक स्टिच लगाऊंगी। देखिए जो हमारा पट्टी है ये अच्छे से सेट हो जाए, इसीलिए मैं जो है इसको फोल्ड करके इसके साइड साइड में एक और स्टिच लगा लूँगी। फ्रेंड्स आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, सूट या ब्लाउज़, अगर आप लोग कुछ भी नया देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ हमारा जो है पाइपिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और मैंने जो है इस सूट को जो है इसकी फिटिंग्स और पूरी सिलाई भी कर ली है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, इसकी पाइपिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी परफेक्ट लग रही है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को सही से पाइपिंग आई या नहीं, पाइपिंग की कैसी फिनिशिंग आई है। तो देखिए ये डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल मिडिल में है और इसका पूरा लुक आप देखिए, और आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे इसकी परफेक्ट फिटिंग्स करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए इसका बैक नेक, इसका भी पाइपिंग देखिए आप लोग, पूरा इक्वल है, कहीं भी कोई चौड़ा नहीं है, पतला नहीं है। और मैंने अभी तक इसमें स्लीव्स अटैच नहीं की है क्योंकि जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो नेक्स्ट डे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा कल ठीक 5:30 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।